अरे ना मैं उनकी तरह कह रहा हूँ यार, मैं तो हुआ था बाकी जवाब दे। को महासत्य ज्वेलर्स के मालिक रमेश सोने ने बताया कि मेरे दुकान पे सुदीप राज श्रीवास्तव नामक व्यक्ति आया था और ज्वेलरी करीबन दो लाख के लगभग की ज्वेलरी खरीदी थी और ऑनलाइन पेमेंट करने का आश्वासन दिया था। मैसेज में उसके मोबाइल पे पेमेंट होने का जरूर आया था, लेकिन जब ब्रांच में जाके पता किया तो कोई पेमेंट नहीं हुआ था, एक मैसेज आया था और उसके मोबाइल के आधार पर हमने इसमें उसको ट्रेस किया, जो वेस्ट दिल्ली में रहता है और एक लड़की अंजना नाम की लड़की है जो उसके साथ लिव इन रिलेशन के रूप में रहती है। ये दोनों ने कम से कम अभी तक एक दर्जन वारदातों को अंजाम दिया इस प्रकार की, और चांदनी चौक, मेरठ, हरिद्वार, डोली बाजार, जयपुर, किशनगढ़, कोटा और इन जगहों पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। और जो भी ज्वेलरी ये ले जाते हैं ज्वेलर से, उसको मथुरा फाइनेंस जो दिल्ली में इसका ऑफिस है वहाँ जाके ये गिरवी रखते और उससे पैसा लेके अपना खुद का काम चलाते। कुछ पैसे 10-15 हज़ार रुपये के टोकन मनी के रूप में उस ज्वेलर्स के खाते में जमा कराते हैं, जिससे उसका विश्वास बना। और हमारी पुलिस ने करीबन 2 बार दिल्ली में दबिश दी है, दबिश के दौरान ये हर बार हमें आ जाता है, जब पता लगता है कि ये पुलिस आई हुई तो अजमेर जाता है। कल भी ये दिल्ली से रवाना होकर अजमेर पहुँचा था और आज इसको अजमेर से राउंड अप करके गिरफ्तार किया। और हमारे जो नए बाजार वाला है उसका करीबन 1.5 लाख रुपये का माल बरामद कर लिया। दोनों मैरिड नहीं है, ये लिव इन रिलेशन के रूप में रहते हैं और ये पहले भी इसके सुदीप श्रीवास्तव के खिलाफ इनकी लड़की के परिजनों में एफ आई आर दर्ज कराई थी, लेकिन उसमें लड़की अपनी इच्छा से जाना होता है मामला। अपने अजमेर में इस प्रकार की वारदात अभी तक सामने नहीं है, कुछ जाके और जो सकता।